नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली सुबह से शाम तक वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ, तीसरा महाद्वीप और पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है। हाँ फ्रेंड्स, पहला मैंने आपको एशिया महाद्वीप पढ़ाया, दूसरा मैंने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ की कोशिश करूँगा, और ये बहुत कम टाइम के वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। तो फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे आप। तो आपके सामने उत्तरी अमेरिका आ गया फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार का है, उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप। फ्रेंड्स, तीसरा महाद्वीप, आपके मन में क्वेश्चन आएगा पहला दूसरा कौन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल पर नहीं देखा तो लास्ट दो महाद्वीप उसके प्रीवियस ईयर में वीडियो पड़े हुए हैं, आप पहले उनको देखिए उसके बाद इसको देखिए। तो उत्तरी अमेरिका फ्रेंड्स क्या है, ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। हाँ फ्रेंड्स, ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अब इसकी खोज 1942 में कोलंबस ने की थी। हाँ फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका जो है फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की थी, तो 1942 में कोलंबस ने की थी। इस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। इसके 3/4 भाग में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ फ्रेंड्स, इसके 3/4 भाग में क्या है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके 1/4 भाग में ग्रीनलैंड, मैक्सिको और अन्य देश हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसके 1/4 भाग में ग्रीनलैंड, मैक्सिको और अन्य देश हैं। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। हाँ फ्रेंड्स, विश्व में प्रसिद्ध है जो नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील में स्थित है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, सेंट लॉरेंस इस महाद्वीप की प्रमुख नदी है। फ्रेंड्स, इस महाद्वीप की प्रमुख नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस, जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। अटलांटिक महासागर में गिरती है, झीला से बनी यह नदी विश्व का सबसे लंबा अंतरिक्ष जलमार्ग का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा शिखर, पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकले है, जो कि अलास्का में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन है। हाँ फ्रेंड्स, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है, तो ग्रेट बेसिन है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस नदी, ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, जो अमेरिका तथा कनाडा में प्रसिद्ध नगरों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंडा प्रदेशों से दक्षिणी शंकुधारी वनों की चौड़ी पेटी को टैगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंडा प्रदेशों में शंकुधारी वनों की जो चौड़ी पेटी रहती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टैगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा आपके सामने, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग की घास भूमि जिसे प्रेरी कहते हैं। फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग की, फ्रेंड्स ये घास के मैदान से क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये प्रेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है, तो आपको उत्तरी अमेरिका लगाना है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका कौन सा महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का महाद्वीप है। अब उत्तरी अमेरिका विश्व की आधी मक्का पैदा होती है। फ्रेंड्स, विश्व में आधी मक्का पैदा होती है, मक्का का मूल स्थान मैक्सिको है। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में फ्रेंड्स विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का पैदा होता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पैदा होता है, तो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा फ्रेंड्स, कनाडियन शील्ड, हाँ फ्रेंड्स कनाडियन शील्ड विश्व खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खनिजों का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है, तो कनाडियन शील्ड खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, सुपीरियर झील लो आयस उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है।
फ्रेंड्स सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क उत्पादन के लिए। अब खनिज के लिए आएगा फ्रेंड्स, तो खनिज के लिए कनाडियन शील्ड, लौह अयस्क के लिए सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाँ फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद कैसा क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के स्थल भाग पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक अमेरिकी वेस्पुसी था, जो कि अमेरिका नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका में जो पहले स्थल भाग में पहुंचने वाला अमेरिकी वेस्पुसी आया था, जिससे इसको उत्तरी अमेरिका का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स आपके सामने जो अपन देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड यदि आपके सामने कि मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा नगर। हाँ फ्रेंड्स, मैक्सिको क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर। फ्रेंड्स जैसे इसमें जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा नगर मैक्सिको है, वैसे एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा नगर कौन था? चीन। अब सेकंड क्वेश्चन बनेगा दृष्टि से उत्तर अमेरिका का, न्यूयॉर्क कैनेडी वायुपत्तन विश्व का सबसे व्यस्त वायुपत्तन है। फ्रेंड्स वायुपत्तन अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क। हाँ फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क का कैनेडी वायुपत्तन विश्व का सबसे व्यस्त वायुपत्तन है। हाँ फ्रेंड्स, विश्व का सबसे व्यस्त वायुपत्तन कौन सा है? तो न्यूयॉर्क का कैनेडी वायुपत्तन विश्व का सबसे व्यस्त वायुपत्तन है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या रहेगा, सोना मुख्यतः ओटारिया से निकलता है। फ्रेंड्स सोना यहाँ पे कहाँ से निकलता है? तो ओटारिया से निकलता है। हाँ फ्रेंड्स, सोना ओटारिया से निकलता है। और अपने भारत में कहाँ निकलता है फ्रेंड्स सोना? तो भारत में कर्नाटक की कोलार खदान में। हाँ फ्रेंड्स, भारत में कर्नाटक की कोलार खदान में सोना निकलता है। फ्रेंड्स हीरा कहाँ निकलता है? तो हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश से हीरा निकलता है। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसा बनेगा कि पनामा नहर प्रशांत अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हाँ फ्रेंड्स, पनामा नहर कहाँ कहाँ जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ती है। अब फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो आपको रिलेट करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो भूमध्य सागर को लाल सागर में, भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ती है, वो स्वेज नहर रहती है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही रिलेट करके पढ़िए फ्रेंड्स। हाँ, आप जितना ज़्यादा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको उतना प्रॉफिट होगा फ्रेंड। तो ऐसे ही पढ़ते जाइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, करते रहिए तैयारी। इसी के साथ चलते अपन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा फ्रेंड्स? तो अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा, रेल का मुख्य केंद्र शिकागो है। फ्रेंड्स शिकागो रेल का मुख्य केंद्र है। शिकागो से आपको याद आ गया होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने, हाँ फ्रेंड्स 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, तो पूरी जनता उनके भाषण के लिए उत्साहित हो उठी थी। विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ? शिकागो में ही। अब नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र टुंड्रा कहलाता है। फ्रेंड्स हाँ, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? टुंड्रा कहलाता है। अब विश्व में अखबारी कागज उत्पादन कनाडा प्रथम है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आएगा कि विश्व में अखबारी कागज उत्पादन करने वाला कौन सा प्रथम है, तो कनाडा प्रथम है। हाँ फ्रेंड्स, कनाडा प्रथम है। अब इसके बाद कैसा बनेगा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? तो आपको लगाना है रेड इंडियन और निग्रो। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका के खारे पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक जो उटाह राज्य में है। फ्रेंड्स ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है? उटाह राज्य में। उटाह राज्य में है ग्रेट साल्ट लेक। अब विश्व की सबसे ताजे पानी की झील, हाँ फ्रेंड्स इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है। तो आपको ताजे पानी की झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आप करेक्ट आंसर बताएंगे सुपीरियर झील। ये कहाँ है? उत्तरी
अमेरिका में है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है फ्रेंड्स, कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको आंसर बताना है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसा बनेगा, कनाडा, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है, कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा फ्रेंड्स, तो आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो, टोरंटो करेक्ट आंसर जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, हाँ फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो ग्रीनलैंड है, इसे यूरोप का डेनमार्क अधिपत्य भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा फ्रेंड्स कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हाँ फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप करेक्ट आंसर लगाएंगे मिसौरी, हाँ फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी है। अब फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका को रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी, विश्व की रोटी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की रेड नदी घाटी को विश्व की टोकरी कहा जाता है, हाँ फ्रेंड्स विश्व की टोकरी कहा जाता है। इसके साथ वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी पर न्यूयॉर्क हडसन नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसा बनेगा फ्रेंड्स, अब सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन घाटी एवं सिली और गोल्डन ग्रेट की उपमा दी गई है फ्रेंड्स, हाँ आपका क्या आएगा क्वेश्चन, कनाडा की मैक्सिको खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहते हैं, कनाडा की मैक्सिको खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहते हैं फ्रेंड्स। अब कनाडा विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम निर्यातक देश है, हाँ फ्रेंड्स कनाडा विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम निर्यातक देश है। अब इसके बाद पश्चिम कॉर्डिलेरा येलोस्टोन नेशनल पार्क भी फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सारे कवर करवाने की कोशिश की है, तो आप ये वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार 5 बार देखिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका गलत नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम का बनाने का, इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए चैनल के साथ, ओके टेक केयर बाय बाय।